हाई एवरी वन, वेलकम टू इनक्वेस्ट IAS. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस. मैं अंकिता जिंदल और आज की हम इस क्लास में बात कर रहे हैं अपने द हिंदू करंट अफेयर के लिए. ठीक है, सो आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू परफेक्टली. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली जो अपने सामने न्यूज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, डॉक्टर साउथ अफ्रीका नेशनल इंडियाज फर्स्ट केस ऑफ ओमिक्रॉन. ये बहुत ही कंसर्न की बात है कि जो ओमिक्रॉन का न्यू वेरिएंट ऑफ द COVID-19, इसका जो पहला केस है इंडिया में भी आपको देखने को मिला है. ओमिक्रॉन का ओरिजिन या उद्गम की बात करें तो दैट वाज फ्रॉम द साउथ अफ्रीका, एंड हम इसके पहला नेशन अगर हम लोग केस देखें तो वो फाउंड हुआ है कर्नाटक के अंदर. ठीक है, तो कर्नाटक में दो ऐसे पेशेंट मिले हैं जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव है. और लेकिन खास बात यहाँ पे एक संदेह वाली बात यह है कि वो कोई भी इंटरनेशनल पैसेंजर नहीं रहे हैं. पिछले कुछ दिनों में इंटरनेशनल फ्लाइट्स उन्होंने नहीं ली है, जिसके बावजूद भी वो उनको ये पेशेंट जो है वो बन चुके हैं. ठीक है, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे कि इनके कांटेक्ट में आने से 5 और बंदे जो हैं वो भी थोड़ा सा उसमें आ गए हैं. उनको गवर्नमेंट ने बोला है कि दैट उनको माइल्ड फीवर है, ज़्यादा कड़े सिम्टम्स उनके नहीं है जो कांटेक्ट में आए हैं. यहाँ पे एक कंसर्न वाली बात ये भी है कि बोला गया था कि जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो डेल्टा वेरिएंट से कई ज़्यादा ट्रांसमिसिबल है. ट्रांसमिसिबल यानी कि किसी के भी, मान लो एक इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आप आते हैं तो बहुत ही जल्दी ये आपको भी ये हो सकता है, और फिर आप इसके थ्रू बहुत ज़्यादा जो ये चेन है ना बहुत स्पीडली फैल सकेगी. लेकिन अभी के लिए ये राहत की बात है कि 5 कांटेक्ट में आने वाले बंदे माइल्ड फीवर है और ज़्यादा उनको खतरा नहीं है. ठीक है, चलो. इंडिया हैज़ कन्फर्म द टू केसेस ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑन द नोवल कोरोना वायरस, जिसकी एक जो व्यक्ति है उनकी 66 ईयर ओल्ड है और जो दूसरे हैं वो 46 ईयर ओल्ड पर्सन है, जो कि उनको इस तरह के सिम्टम्स यहाँ पे मिले हैं. इंडियन सार्स कोव टू जेनोमिक्स कंसोर्टियम के द्वारा ये अनाउंसमेंट यहाँ पे की गई है. इंडिया डेवलप फीवर एंड बॉडी एक्ट ऑन November 21 एंड अंडरवेंट द RT-PCR जो है रिपोर्ट यहाँ पे प्रॉपरली कर ली गई है. ठीक है, कर्नाटक में क्योंकि हुआ है तो कर्नाटक की जो स्टेट एडवाइजरी COVID-19 जो कमेटी जो है वहाँ पे लोकल बॉडी एज अ लोकल फॉर्म में, उन्होंने प्रॉपरली ओमिक्रॉन ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही बड़ी एक जो है लैब बना दी गई है, सो दैट की पहले से ही तैयारी जो है वो अब कर दी गई है. मे बी दो पेशेंट आए हैं सामने, हो सकता है कुछ ऐसे लोग हों जो ओमिक्रॉन हो जिसे नॉर्मली, लेकिन उसने टेस्ट ना कराया हो या अभी उसमें हो, तो इसलिए जो तैयारियां हैं वो यहां पे कर ली गई हैं. नेक्स्ट न्यूज, वॉर्न बिफोर ओपनिंग डैम केरला टेल्स तमिलनाडु. केरला के अंदर और तमिलनाडु के बॉर्डर पे एक डैम है, दैट नेम इज अ मुल्ला पेरियर डैम, जो कि करीबन 123 साल पुराना डैम है. और बहुत खतरे की बात यह है कि इसके अंदर जो पानी का लेवल है बहुत ज़्यादा एक्सेस है, और केरला और तमिलनाडु इस पर काफ़ी ज़्यादा दिनों से क्लैश कर रहे हैं. अब 123 साल पुराना है तो इसकी जो बाउंड्रीज हैं वो काफ़ी वीकन भी हो गए. अगर ये कुछ भी दिक्कत इसमें होती है तो बहुत तो तबाही एक तरीके से ये कर सकता है. ठीक है, अब कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले ही तमिलनाडु ने जो एक्सेस वाटर था वो मॉर्निंग में केरला की तरफ रिलीज कर दिया. राइट, अभी समस्या ये हो गई कि शहर और जो गांव है वहाँ पे पानी पानी हो गया, इसीलिए केरला ने तमिलनाडु को वॉर्न किया है कि भाई पहले बता दिया करो जब तुम डैम ओपन करने वाले हो, है ना, हम लोग अपनी बाल्टी वगैरह तैयार करके रखेंगे. राइट, तो चलो कमिंग टू द न्यूज़. केरला के चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन ने थर्सडे को तमिलनाडु को लिखते हुए कहा है, मिस्टर M.K. स्टालिन को अर्जिंग किया है उनको कि भाई जो मुलापेरे डैम के जो शटर हैं वो ओपन थे ओनली आफ्टर सफिशिएंट वार्निंग. ठीक है, कि भाई वार्निंग कर दो कि हम ओपन करें, देन ही आप लोग जो है वो उसका डैम शटर जो है वो ओपन करिए. उन्होंने ये कहा, ही हैड रिसीव इन्फॉर्मेशन दैट शटर्स V1 to V8 ऑफ द डैम वर ओपन एट द 3:30 AM, सुबह 3:30 बजे खोल दिए गए हैं, और उसका जो सफिशियंट जो वाटर है वार्निंग भी नहीं दी गई, और जो पानी है वो केरला के शहरों और गांवों में पहुंच गया जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या उठानी पड़ी. ही कॉल फॉर अ प्लान एंड द ग्रेजुअल रिलीज ऑफ वाटर ओनली ड्यूरिंग द डे टाइम. और ये जो आप करते हो ये आप डे टाइम करो, दिन में अगर आप करते हो तो हम फिर भी अलर्ट रहेंगे, बट रात को तो ऑब्वियसली इट वुड बी अ प्रॉब्लम ना. हाउस फ्लडेड हो गए थे अर्लियर इन द डे. फ्लडेड वॉज रिपोर्टेड एज अ रेजिडेंशियल एरिया
जो शहर हैं गांव हैं वहाँ पे फ्लडेड जैसी सिचुएशन यहाँ पे बन गई थी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ आपके सामने है, नो साइन ऑफ ट्रस्ट, गवर्नमेंट फॉर्म ऑन अपोलॉजी बाय द 12 सस्पेंडेड एमपी। ये न्यूज़ हम दो तीन दिन से कर रहे हैं तो इसकी जो न्यूज बैकग्राउंड है वो आप लोगों को पता ही है, बट फिर भी मैं एक थोड़ा सा रिविज़न आपको एक बार करा देती हूँ। मॉनसून सेशन में राज्यसभा में 12 ऐसे एमपी को सस्पेंड कर दिया गया था एट द एंड डे ऑफ द मॉनसून सेशन, क्योंकि उनका जो बिहेवियर था वो अनरूली था, वायलेंट बिहेवियर था, जिस जो राज्यसभा के चेयरमैन ने उस बिहेवियर की वजह से 12 एमपी को सस्पेंड कर दिया गया था, बट वो सारे अपोजिशन के थे, क्योंकि अब अपोजिशन के मेंबर कम हो गए हैं तो वहां पे जो जो बिल है वो नहीं लेकर आए जा रहे हैं, बिकॉज कोई भी अगर आप बिल लेकर आते हो तो पर्टिकुलर अपोजिशन के मेंबर और रूलिंग गवर्नमेंट के मेंबर होने चाहिए ताकि इसमें पर्टिकुलरली डिस्कस एंड डिबेट हो सके। ठीक है, और ये जो 12 MP सस्पेंड किए गए हैं वो पूरे विंटर सेशन के लिए किए गए हैं। अब अपोजिशन का कहना ये है कि वो यहाँ पे जो राहुल गांधी एंड अदर जो सीनियर लीडर हैं जो भी यहाँ पे सस्पेंड कर दिए गए हैं वो बैठ के एक तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे आउटसाइड द पार्लियामेंट, बट साथ में रूलिंग गवर्नमेंट सेज अगर आप लोग माफी मांग लेते हो, अगर आप लोग अपोलॉजी करते हो तो हम आपको अलाउ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट अपोजिशन से भाई ये कौन सा तरीका हुआ, हमें तो बताया भी नहीं गया हमारे कौन से तरीके के लिए कौन सा चीज बात हमें आपको हमारी बुरी लग गई और आपने हमें सस्पेंड कर दिया। ये कोई तरीका नहीं है कि आप इस तरीके से हमें जो है वो सस्पेंड करते हो, ये एक तरीके से रूलिंग गवर्नमेंट की तानाशाही है, ये अपोजिशन कह रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं राज्यसभा के जो चेयरमैन है दैट इज अ वेंकैया नायडू जी नोटेड दैट अ मैसेज वाज बीइंग सेंट आउट दैट व्हाइल द सेक्रिलेज ऑफ द हाउस इज डेमोक्रेटिक। मैसेज जो है वो भेज दिया गया था, जो सेक्रिलेज है हाउस की वो डेमोक्रेटिक है, एंड अपोजिशन ने इंसिस्ट किया कि सस्पेंशन इज नॉट लीगल। भाई तुमने जो सस्पेंड हमें कर दिया वो लीगल नहीं है, ठीक है, पहले थोड़ा सा बता दिया करो ताकि हम भी कुछ दो बात कहने की वो हो जाए। वाइल कॉलिंग द सस्पेंशन अनडेमोक्रेटिक, उन्होंने ये कहा कि जो आपने हमारा सस्पेंशन किया है वो अनडेमोक्रेटिक है बोथ विद इन एंड आउटसाइड द हाउस, नॉट इवन अ वर्ड, आपने कोई एक शब्द भी नहीं कहा और उस तरीके से आपने हमें जो है वो यहाँ से निकाल दिया, तो ये थोड़ा सा इलीगल हमें जो है वो लग रहा है। फाइन, तो ये न्यूज थी यहाँ पे बोला गया है। जायकोव डी टू बी लॉन्च इन द 7 स्टेट, ये जो जायकोव डी वैक्सीन है जिन लोगों की फर्स्ट डोज ना हुई है, नहीं हुई है या हुई है, वो जिनकी जिस स्टेट में हाई नंबर ऑफ केसेस है जहाँ पे फर्स्ट डोज भी नहीं हुई है वो है 7 स्टेट, और उन 7 स्टेट को आइडेंटिफाई करके जायकोव डी जो वैक्सीन है वो यहाँ पे लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे इन इन जो डिस्ट्रिक्ट हैं इनको आइडेंटिफाई करके इनको प्रायोरिटी दे दी जाएगी। लेट्स सी द नेम, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, यूपी एंड वेस्ट बंगाल, दीज आर द सम 7 स्टेट जहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, सेंटर इज पुशिंग स्टेट गवर्नमेंट टू मॉप अप फर्स्ट डोज कवरेज एंड रीच आउट टू द डोज हु आर ओवरड्यू फॉर द सेकेंड डोज। अब बोला जा रहा है कि भाई जिनकी भी पहले डोज नहीं हुई जल्दी जल्दी वो निपटाओ, और सेकेंड डोज जिनकी आने वाली है या होने वाली है उनकी भी आप जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो एक दो दिन में जायकोव डी के बारे में इसकी जो पूरी रिपोर्ट थी इसके बारे में जो अप्रूवल था वो सब पूरा हो चुका है जायकोव डी वाली वैक्सीन के लिए, तो अभी ये वाली चीज़ भी जो है वो एप्लीकेबल होगी। सेकेंड डोज कवरेज के लिए बोला गया है एट द रिव्यू मीटिंग हेल्थ सेक्रेटरी ने अर्ज किया स्टेट को कि यूटिलाइज करें लोकल इन्फ्लुएंसर को, कम्युनिटी लीडर को, ताकि अवेयरनेस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जाए, ताकि भाई हर एक बंदा डोज यहाँ पे लगवा ले। आज के समय में भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि उन्हें लग रहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, और हम तो भाई बहुत से लोग तो ना ऐसे हैं कि हम तो दूध दही खाने वाले बंदे हैं और हमें कोविड कुछ नहीं कह सकता, और हम तो किसान हैं, नहीं किसान नहीं मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है, हमें कोविड कुछ नहीं कह सकता, और बहुत से लोगों को वैक्सीन पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तो देर आर द सम नंबर्स विच आर नॉट टेकिंग द फर्स्ट डोज येट। ठीक है, तो उनके लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्लियर है अभी तक की न्यूज़ एवरीवन? क्लियर है क्या भाई? ये जो न्यूज़ रहती है ना भाई, जायकोव डी लगी है ना, लगी क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप लिए टू क्रिएट अ मोर अवेयरनेस वगैरह, ये चीज़ आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नो, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर मेंस, दीज आर इम्पोर्टेंट फॉर योर डेवलपमेंट। ठीक
है, आज जो आप ये स्टडी कर रहे हो, ना ही सिर्फ आप अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए कर रहे हो, आप अपने अपने जो डीसी बनने के बाद का जो लाइफस्टाइल है ना, उसको जीने, उसको ईज करने के लिए आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है? आई होप यू गॉट मी कि भाई अब आप चीजें देख रहे हो कि किस तरीके से सारे काम हो रहे हैं, तब आप उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, ठीक है? तो इस तरीके की न्यूज को स्किप ना करें, पढ़ लें, ठीक है? ज्यादा समय आपका नहीं लगता है और ज्यादा डेप्थ में तो मैं कह ही नहीं रही हूँ आपको। चलिए, फेशियल रिकॉग्निशन एट एयरपोर्ट फ्रॉम द 2022। यहाँ पे बोला गया है कि चार ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे ये फैसिलिटी है कि भाई फेशियल रिकॉग्निशन होगा 22 से, 2022 से। आफ्टर अ डिले ऑफ द 3 ईयर्स, 3 साल की देरी के बाद जो पैसेंजर है, फेस स्कैन उनका कर दिया जाएगा। जब भी वो बोर्डिंग पास पे उनका चेकिंग के जाते हैं तो उनका फेस भी स्कैन किया जाएगा। कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, जैसे वाराणसी है, पुणे है, कोलकाता है, विजयवाड़ा है, ये पहले ऐसे चार होंगे जहाँ पे फेशियल रिकोगनीशन वाली जो टेक्नोलॉजी, बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और ये जो सर्विस है वो 2022 के मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। द टेक्नोलॉजी विल बी स्केल्ड अप इन अ फेज मैनर अक्रॉस द वेरियस एयरपोर्ट इन द कंट्री। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने NEC कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया है। और ये जो टेक्नोलॉजी है वो डिजी यात्रा पॉलिसी का ही एक हिस्सा, आप इसको जो है वो समझिए, ताकि जो पेपरलेस एयर ट्रैवल है वो भी यहाँ पे हो सके। एक तो हम लोग पेपर सेव कर रहे हैं, दूसरी बात हम लोग टाइम सेव कर रहे हैं, तीसरी बात हम लोग हाईटेक पर्सन हो रहे हैं, है कि नहीं? और यहाँ पे जो जर्नी है एयरपोर्ट को एंटर करने की और बोर्डिंग तक करने की, वो बहुत ही ईज हो जाएगी, राइट? पॉलिसी वॉज अनवेल्ड इन अक्टूबर 2018 में, बट ड्यू टू द सम इश्यूज डिले होते होते अब ये समय आ गया है कि मार्च 2022 में ये चीज इंप्लीमेंट हो जाएगी। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? नेक्स्ट आते भी डैम की सेफ्टी बिल, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। डैम सेफ्टी बिल 2019 पे यहाँ पे बात जो है वो की गई है, राज्यसभा ने पास कर दिया। मैं अगर एक स्टैटिक पोर्शन की बात करूं तो अगर एक जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है किसी भी हाउस में, इन एनी हाउस, वेदर यू कैन इंट्रोड्यूस दैट इन अ लोकसभा और यू कैन इंट्रोड्यूस दैट इन अ राज्यसभा, राइट? अगर आपने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो वहां से पास होने के बाद वो राज्यसभा जाना चाहिए, और देन प्रेजिडेंट की हामी होने के बाद, नोड के बाद, वो बिल एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? एक्ट बन जाता है। और अगर वो पहले आपने राज्यसभा में किया, देन वो लोकसभा में पास होना चाहिए, और प्रेसिडेंट की नोट के बाद वो भी बिल जो है वो एक्ट यहाँ पे बन जाएगा। प्लीज मस्ट इंश्योर सिर्फ लोकसभा से प्रेसिडेंट नहीं जाएगा, या फिर सिर्फ राज्यसभा से प्रेसिडेंट नहीं जाएगा, बिकॉज ऑल थ्री ऑर्गन्स ऑफ द कंट्री आर द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है? तो पार्लियामेंट के 3 हिस्से हैं, 3 बॉर्डर्स हैं, पिलर्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट। तो इसलिए तीनों स्टेज पे से पास होना जरूरी है, क्लियर? चलो, यहाँ पे जो ये बिल है, लैंडमार्क डैम सेफ्टी बिल का जो बिल है वो अभी राज्यसभा ने पास कर दिया है, पेविंग द वे फॉर द नेक्स्ट मेंट। यहाँ पे डैम सेफ्टी की बात यहाँ पे की जा रही है। 2019 में लोकसभा ने इसको पास कर दिया था और राज्यसभा को पास करने में इसे करीबन 2 साल लग गए। बिल के अंदर सर्वेलांस, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सारे स्पेसिफाइड जो डैम्स है हमारे अक्रॉस द कंट्री उसको देख लिया जाएगा। कौन कौन से डैम स्पेसिफिक होंगे, जिनके जो हाइट है वो 15 मीटर से ऊंची हो और 10 या 15 मीटर की जो हाइट वाले जो डैम रहेंगे उनको, और 15 से ऊपर वाले तो पक्का ही, 10 से 15 वाले में कुछ कंडीशंस के साथ वाले जो डैम है वो इसके अंदर केयर में लाए जाएंगे, राइट? यहाँ पे 2 नेशनल बॉडीज आपको मिलेगी। एक रहेगी नेशनल कमिटी ऑन द डैम सेफ्टी, जिसका फंक्शन क्या रहेगा, सारी पॉलिसी बनाना, रेगुलेट करना, और एक नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बनाएगी जिसके फंक्शंस क्या रहेंगे कि ये वाली कमेटी सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है, टेक्निकल असिस्टेंस दिलाएगी और परमिशन वगैरह दिलाएगी, वो काम यहाँ पे रहेंगे, ठीक है? स्टेट लेवल पे भी कमेटी जो है वो बना दी जाएगी। ओडिशा का पाइका रेबेलियन, 1817 में आपको याद हो तो पाइका रेबेलियन जो है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। ऐसा कहा जा रहा है कि 1857 की लड़ाई को हम लोग पहला युद्ध इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए पहला युद्ध जानते हैं। लेकिन अगर हम एक शॉर्ट लेवल पे या वैसे बात करें तो ओडिशा का पाइका रिबेलियन वाला जो रिबेल था या जो वॉर थी जो 1817 में हुई, इसको भी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोला जा रहा है, राइट, अगेंस्ट द ब्रिटिश। लेकिन लेकिन कहीं जगह या हेल्थ कल्चर मिनिस्टर ने भी बोला है कि
हम इसको फर्स्ट वॉर नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक अच्छी शुरुआत जरूर थी ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ, वो चीज़ हम बोल सकते हैं, बट वी कुड नॉट से दैट इट वुड इट विल बी अ फर्स्ट वॉर ऑफ डिक्लेरेंस. ठीक है, मिनिस्टर जो ओडिशा के हैं सीएम, उन्होंने भी कुछ इस बात पे बोला है. और अगर हम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पाइका विद्रोहा दैट वॉज इन 1817, और ये जो चला था 1825 तक चला था. ठीक है, बाकी जो चीज़ें क्लास 8 के एनसीईआरटी में इस पाइका रिबेलियन के बारे में आपको पता चल जाएंगी, तो अगर आपके पास बुक है तो थोड़ा सा पढ़ लेना. आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर है. गिव मी थम्स अप गाइस. कोई भी क्वेश्चन इफ यू हैव सो प्लीज पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई ऑन यू. मूविंग है नेक्स्ट न्यूज अपने सामने, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के बारे में आते हैं, यूएपीए एक्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी बात कर लेते हैं. व्यक्ति जो यूएपीए एक्ट के तहत पकड़े गए हैं उनको अभी काफी लंबा समय हो गया है कि वहां पे उसका कोई ट्रायल जो है वो नहीं हो रहा है, ना ही उनके केस में कोई भी प्रोसेस हो रही है, जिसकी वजह से जो अपने फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्री ट्रायल या फिर जल्दी जस्टिस मिलने का जो राइट है अपने पास है, उसका कहीं ना कहीं वायलेशन यहाँ पे हो रहा है. इससे जो पब्लिक का विश्वास है जस्टिस पर, न्याय पर, उसमें भी दिक्कतें जो है वो आ रही है, उसको भी थ्रेट यहाँ पे हो रहा है. यहाँ पे एक विश्वास कि भाई जस्टिस है, न्याय जरूर मिलेगा, और न्याय जो पालिका है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन काफी स्ट्रांग है हमारा, और तो हमें न्याय जो है वो जल्दी मिल जाएगा. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि इससे हमारे इस तरीके की देरी वाले केसेस से पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी हम लोग जो है वो लूज कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि वाइल डेप्रीवेशन ऑफ द पर्सनल लिबर्टी को डेप्री करते हुए कुछ देने के लिए मे नॉट बी अवॉइडेबल, भी हम किसी की लिबर्टी को अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन जो पीरियड ऑफ डेप्रीवेशन पेंडिंग ट्रायल अपील कैन नॉट बी अनड्यूली लॉन्ग. कहने का मतलब ये है कि जो ट्रायल है हालांकि वो थोड़ा डिले हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द एक्सेस पेंडिंग ऑफ द केसेस, बट इतना लंबा नहीं होना चाहिए कि पर्सनल लिबर्टी और जो उसके फंडामेंटल राइट्स है वो हार्श हो जाए. राइट, एट द सेम टाइम टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस इज अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट का भी वो हिस्सा होता है, और डिनाइल ऑफ द स्पीडी जस्टिस इज थ्रेट टू द पब्लिक कॉन्फिडेंस. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में ये बात बोली है कि अगर आप लोग स्पीडी जस्टिस नहीं करते हो, आप देरी करते हो, तो पब्लिक कॉन्फिडेंस के लिए वो थ्रेट जैसा मान लिया जाएगा. और आपको जस्टिस मिलता है, टाइमली डिलीवरी ऑफ जस्टिस, वो हमारे एक ह्यूमन राइट का हिस्सा भी है, ना ही सिर्फ फंडामेंटल का, ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ह्यूमन राइट. उन्होंने ये कहा, वंस इट इज नोन दैट इज टाइमली ट्रायल इज नॉट पॉसिबल, द एक्यूज्ड हैज ऑलरेडी सफर्ड अ सिग्निफिकेंट पीरियड ऑफ द इनकार्सरेशन, कोर्ट आर ऑब्लिगेटेड टू एनलार्ज एंड अंडर ट्रायल ऑन बेल. यहाँ पे बोल रहे हैं इस केस के अंदर कि भाई जो टाइमली ट्रायल है वो थोड़ा पॉसिबल नहीं था, बिकॉज जो दोषी है वो सफर कर रहा था, तो बेल पे अंडर ट्रायल में था वो, लेकिन हम लोग टाइमली ट्रायल यहाँ पे नहीं कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्मार्ट सिटी मिशन. शुरुआत में 2016 से 18 तक का अपना टारगेट था कि भाई हम लोग 100 स्मार्ट सिटी बना पाएंगे, स्मार्ट सिटी मिशन को अचीव कर पाएंगे अकॉर्डिंग टू द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, बट ड्यू टू द कोविड ये डिले होता गया. और अभी जो है लोकसभा ने इन्फॉर्म किया है, मिनिस्ट्री ने इन्फॉर्म किया है लोकसभा को कि जो स्मार्ट सिटी मिशन का जो टारगेट है उसको हम लोग जून 2023 तक एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि इतना समय अब हमें और लग जाएगा. ठीक है, सेलेक्ट किया गया था 2015 में और टारगेट लिया गया था 18 तक का, बट प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाया. जायको वाली वैक्सीन के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो यू कैन स्किप इट. चाइना और मालदीव के लिए रिलेशंस की बात करेंगे, लेकिन आपको पहले चाइना को और मालदीव को दोनों को मैप में ज़रूर देख लेना है. प्लीज़ सी दैट इन टू द मैप गाइस, एक बार मैप में नज़र दौड़ा लीजिए. ठीक है, अब देखो यहाँ पे चाइनीज जो फर्म है सिनोसोर हाइब्रिड जो टेक्नोलॉजी है, जिसका एनर्जी प्रोजेक्ट सस्पेंड कर दिया गया था श्रीलंका के अंदर आफ्टर इंडिया रेज कंसर्न ओवर इस लोकेशन क्लोज टू द तमिलनाडु कोस्ट, रिसेंटली अ सिमिलर प्रोजेक्ट इन द मालदीव. श्रीलंका और तमिलनाडु ज्वाइन करते हैं, क्लैश भी काफी रहते हैं. श्रीलंका के अंदर एक प्रोजेक्ट था चाइना का, हाइब्रिड टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट था, क्योंकि वो तमिलनाडु के नियर था, तो उसको वहाँ पे डिनाई कर दिया गया था, वो वहाँ पे सस्पेंड कर दिया गया था कि आप यहाँ पे नहीं कर सकते.
क्योंकि कहीं ना कहीं वो इंडिया के क्लॉज भी था, उसकी लोकेशन सुपर नहीं थी, इसीलिए अब वो ही सेम जो प्रोजेक्ट है वो मालदीव में स्टार्ट किया गया है बाय द चाइना। मालदीव की जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट है उन्होंने चाइनीज एनर्जी कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। यहाँ पे डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, सारी सब चीज़ जो है वो शामिल हो जाएंगी। यहाँ पे इन पावर जनरेशन प्लांट लगाए जाएंगे इन ऑल 12 इनहैबिटेड आइलैंड ऑफ द था अटोल, साउथ ऑफ द कैपिटल, माले की जो कैपिटल है था अटोल, वहाँ पे 12 इनहैबिटेड आइलैंड पर पावर जनरेशन प्लांट जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। इट वॉज इन जनवरी दिस ईयर कि श्रीलंका की कैबिनेट ने इस चीज़ को मना किया था इन द नॉर्दर्न आइलैंड ऑफ द नैना तीवू और डेल्फ वगैरह में, बट क्योंकि वो तमिलनाडु से कुछ ही दूरी पे था, अब उस बात से इंडिया ने कंसर्न उठाया था कि भाई तुम हमारे इस तरफ क्यों कर रहे हो, हमारा एरिया है वो, तो है कि नहीं, तो इसीलिए वो एक सिक्योरिटी थ्रेट के लिए भी कंसर्न था। अभी चाइना तो एक रिंग ऑफ पियर्स बना ही रहा है ना, अब दिस इज अवर इंडिया, अब चाइना हमारे चारों तरफ रिंग ऑफ पे जो वो है, एक जो रिंग ऑफ पेल्स है वो यहाँ पे बना रहा है, और अगर वो हमारे यहाँ पे ही हो जाए तो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट कितना बड़ा हो जाएगा, राइट और नॉट, यू अंडरस्टैंड, है कि नहीं, तो भाई यहाँ से हमारे लिए पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इस वाले प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया गया, इसको अलाउंस नहीं दी गई, भाई चाइना ने उस चीज़ को मालदीव में बना लिया। मूविंग अहेड, बटरफ्लाई स्पीसीज की बात करें तो एक नया सर्वे किया गया था, तो पीछी वाजानी वाइल्ड लाइफ डिवीजन हैज रिकॉर्डेड अ रिमार्केबल इंक्रीज इन द स्पीसीज नंबर। बटरफ्लाई की जो प्रजाति है इसके अंदर जो नंबरिंग है वो बढ़ गई है, ये यहाँ पे देखा गया है। साउदर्न बर्ड विंग, ये जो लार्जेस्ट बटरफ्लाई है इंडिया में, इम्पोर्टेंट वन, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये लाइन। और जो ग्रास ज्वेल है द स्मॉलेस्ट, दैट अगेन इम्पॉर्टेंट, एक सबसे बड़ी एक सबसे छोटी, याद ज़रूर कर लेना। ये सर्वे के दौरान पाई गई बुद्धा पीकॉक जो स्टेट बटरफ्लाई है केरला की, वो भी रिकॉर्ड यहाँ पे की गई। प्लीज़ रिमेंबर, इम्पॉर्टेंट, बुद्धा पीकॉक स्टेट बटरफ्लाई ऑफ केरला, महाराष्ट्र की पूछी गई थी एक बार। 326 स्पीसीज हैं केरला की पाई जाती हैं, केरला में पाई जाते हैं, जिसमें से 156 स्पीसीज फिलहाल रिकॉर्ड कर ली गई हैं। 4-day बटरफ्लाई सर्वे हुआ था केरला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। पीजी वाजनी चिन्मॉय चुलानूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो फिलहाल के लिए सर्वे की गई हैं। यहाँ पे इतनी सारी स्पीसीज और बटरफ्लाई मिलेंगी, आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी जो स्पीसीज है वो नीलगिरी ग्रास, येलो ट्रावनकोर इवनिंग ब्राउन, मालाबार फ्लैश, ऑरेंज टेल्ड ऑल, सदर्न स्पॉटेड एस, कॉमन ऑनिक्स, ये सारी हैं जो आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। एल्टीट्यूडनल माइग्रेशन ऑफ कॉमन एल्बेट्रोस वॉज रिकॉर्डेड इन द चिन्मॉय। नेक्स्ट आती है एलिफेंट की डेथ ड्यू टू द इलेक्ट्रोक्यूशन, दैट्स अ वेरी बिग कंसर्न कि इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से एक एलिफेंट की डेथ हो गई है नियर द रेलवे स्टेशन, तो आप देखो क्या कहता है। वूपिंग 1160 एलिफेंट वर किल्ड इन द कंट्री फॉर द रीजन अदर देन नेचुरल कॉजेज। पिछले 10 सालों में 31 दिसंबर 2020 तक अगर हम देखें, नेचुरली नहीं बट एंथ्रोपोजेनिक केसेस की वजह से 1160 जो एलिफेंट है वो मर चुके हैं। ये हमारे लिए कंसर्न की बात है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ये डाटा जो है वो दिया है। इलेक्ट्रोक्यूशन केस की वजह से 741, दैट्स वेरी हाई। ट्रेन हिट्स की वजह से 186, पोचिंग की वजह से 169 और पॉइजनिंग की वजह से 64। सो अप्रॉक्सीमेटली इतने जो डेथ हैं वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कर्नाटक और ओडिशा में लॉस्ट 133 एलिफेंट्स ईच टू द इलेक्ट्रोक्यूशन, और असम में 129 आपको मिलते हैं। अब देखो क्या चीज़ है कि सदन में तमिल है, केरल, कर्नाटक में हाईएस्ट पॉपुलेशन आप लोगों को देखने की इसकी मिल जाती है। फाइन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस। सॉरी गाइस, कॉल आ गई थी, सो हैव टू पिक। ठीक है, तो ये वाली चीज़ हो गई। हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई जो एलिफेंट की डेथ हो रही है,
ना ही सिर्फ हम लोग एलिफेंट की बात करते हैं, मेन तो ये, बट जो दूसरे एनिमल्स हैं उनकी डेथ की भी बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। कारण होते हैं इलेक्ट्रोक्यूशन सबसे बड़ा कारण है ना। क्यों ना इसके लिए एक ऐसी चीज़ बना दी जाए कि आप इस क्षेत्र, ये मान लो ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सपोज दिस इज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आप इसके चारों तरफ एक बहुत बड़े एरिया को आप सेंचुरी बनाएं और इसके चारों तरफ आप बड़ी बड़ी हाई जो है वो वायरिंग कर दें या कोई जाली वाली जो है ऐसा सिस्टम कुछ आप लगाएं जिसकी वजह से एनिमल्स बाहर ना आ पाए। ठीक है, मेन पॉइंट क्या होता है, जो एलिफेंट जैसे बड़े एनिमल होते हैं वो अपने खाने को ढूंढते ढूंढते पूरे फॉरेस्ट को घूम जाते हैं और फिर थोड़ा वो उन्हें घूमना होता है ना एंटरटेनमेंट के लिए शाम के दौरान, चलो थोड़ा सा वो कर आए, उस वाली चीज़ के लिए वो फॉरेस्ट से बाहर भी आ जाते हैं। ठीक है, आपको पर्टिकुलर उस चीज़ के लिए कमेटी बनानी पड़ेगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि किसी भी फॉरेस्ट के पास या किसी भी सेंचुरी या किसी भी एनिमल, जिस जगह पे ज़्यादा एनिमल है वहाँ पे कोई भी रेलवे ट्रैक ना हो, और अगर रेलवे ट्रैक बना भी रहे हो तो उसकी भी बाउंड्री कुछ इस तरीके से कर दी जाए कि वहाँ पे कोई एनिमल जो है वो नहीं आ सकेगा, जिसकी वजह से रेल हिट तो नहीं होंगे। एंड अगर आप लोग इलेक्ट्रोक्यूशन की बात करते हो तो इलेक्ट्रिक जो वायरस है वो आप बहुत हाई लगाइए, बहुत ऊँची लगाइए, स्पेशली इन दोज एरिया वेयर द एलिफेंट कैन बी देयर, तो भी हम लोग कुछ सेफ्टी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, पॉचिंग वॉचिंग के केसेस पे आप लोग मतलब बैन वैन कर दो तो भी बच जाओगे, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, स्टेप लिए भी गए हैं, बट कमी तो हर जगह देखो मिल ही जाती है। G20 त्रोइका, इंडिया ने G20 का जो त्रोइका है वो उसको यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। G20 में क्या अपनी कंट्री है वो थोड़ा सा आप लोगों को मुझे बताना ज़रूरी है, इंडिया उसका हिस्सा है कि नहीं है। इंडिया ने G20 की प्रेजिडेंसी नेक्स्ट ईयर यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। त्रोइका रेफर्स करते हैं टॉप ग्रुपिंग जो G20 के अंदर कंट्री आती हैं, उसमें से सारी त्रोइका में मिलती है, इंडोनेशिया, इटली और इंडिया। कौन सी त्रोइका मतलब क्या है, तीन फ्रेंड मतलब इंडोनेशिया, इटली और इंडिया, इसको आप लोग I3 के नाम से भी याद कर सकते हो। अब यहाँ पे G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया अज्यूम करेगा फ्रॉम द 1st of December 2022। इंडोनेशिया और G20 के लीडर्स से इटली होस्ट करेगा G20 समिट को 30-31 अक्टूबर को होस्ट किया था मतलब, और यहाँ पे अफगान के फ्यूचर को पे डिस्कस एक बड़े बात पे यहाँ पे किया गया था। फाइन, तो और कुछ नहीं है, तो त्रोइका के मेम्बर थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर याद रख लीजिएगा। एक नई मेरीन रेप्टाइल हमें मिली है, साइंटिफिक नेम इसका क्या है, खाइती सुका सची करूं, ठीक है, थोड़ा चाइनीज नेम सा है बट जैसे भी बोला जाए तो बोल लेना। एक नया मेरीन मैरिटाइम स्पीसीज आपको मिली है, इसका मतलब है द वन दैट कट विद समथिंग शार्प, यानी कि बहुत ही नुकीली है ये जो बहुत कट कर सकती है, इज एन इंडिजीनियस लैंग्वेज फ्रॉम द रीजनल इन द कोलंबिया में आपको मिली है, इसके फॉसिल्स एक्चुअली वहाँ पे मिले हैं। इट हैज़ बीन नेम टू सो टू ऑनर द एंशियंट मोसिका कल्चर के नेम पे यहाँ पे जो है वो रखी गई है। प्रिजर्व मीटर लॉन्ग स्कल इज वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग इखीती सौर है एंशियंट एनिमल में से एक आपको जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ना पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट आते हैं नागालैंड स्टेटहुड डे, 1st December 2021 को 59th स्टेटहुड डे नागालैंड का सेलिब्रेट किया गया था। अगर आप लोग स्टेट पीसेस दे रहे हो तो एक तरीके के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि भाई पर्टिकुलर स्टेट कब बना था और पर्टिकुलर कब बना था, उसको आप लोगों को सीक्वेंस में लगाना होता है। सपोज मैं बात करूँ हरियाणा, पंजाब, नागालैंड और कोई एक और ले लो, त्रिपुरा ले लो मान लिया, ठीक है, तो ये कब कब बने थे आप उनको सीक्वेंस में लगाइए, तो इनके जो डे होते हैं ना उससे अकॉर्डिंगली यू कैन मेमोराइज इट। नागालैंड फॉर्मली जो है वो एक अलग से स्टेट बन गया था 1963 में और इसकी कोहिमा जो है वो कैपिटल बना दी गई थी, बट इसका जो एक्ट आता है वो है स्टेट ऑफ नागालैंड एक्ट 1962 जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया था। आर्टिकल 2 एंड 3 के अकॉर्डिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
पार्लियामेंट के पास, अकेले ही पार्लियामेंट के पास ये पावर होती है कि आप कोई ये कानून बना के, या तो आप कोई नया स्टेट बना सकते हो, या कोई नया स्टेट में एडमिशन कर सकते हो, इस्टेब्लिश कर सकते हो, या बाउंड्रीज को कुछ ना कुछ आप ऑल्टर यहाँ पे कर सकते हो। तो प्लीज़ बी रिमेंबर, ये अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट के पास है और पार्लियामेंट ऐसा कानून बनाकर कर सकती है अंडर द आर्टिकल 2 and 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अगर हम लोग नागालैंड के हिस्टोरिक की बात करें तो इंडिया की आज़ादी 1947 में हो गई थी, बट अभी भी नागा की जो टेरिटरी है वो असम का हिस्सा थी, ठीक है। नागा ट्राइब के द्वारा वहाँ पे लोग जो है वो मतलब वो रह रहे थे। बस 1957 में नागा हिल्स रीजन ऑफ द असम के अंदर जो नागा जो क्षेत्र है और जो त्वेनसांग फ्रंटियर डिवीजन है वो साथ में आ गई और एडमिनिस्टर कर लिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। 1960 में इनको अलग कर दिया गया, एक अलग से इंडियन यूनियन स्टेट जो है वो बन गया। और 1963 के अंदर अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो नागालैंड अचीव स्टेटहुड जो है वो मिल गया 1963 में, ठीक है। आपको ये थोड़ा देखना पड़ेगा, नागालैंड जो है साउथ वेस्ट मानसून से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड रहता है। इसके बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो फॉरेस्ट, पूरे नागालैंड का 1/6 हिस्सा जो है वो फॉरेस्ट आपको मिल जाएंगे। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिलते हैं, बिकॉज अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो यहाँ से ऐसी ट्रॉपिकल लाइन जाती है तो नागालैंड थोड़ा ऊपर पड़ जाएगा, तो इसीलिए ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जूम कल्टीवेशन यहाँ पे काफ़ी फेमस है, एलिफेंट टाइगर्स लेपर्ड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ट्राइब की बात करें तो कोनियक एक ट्राइब है जो सबसे ज़्यादा है, देन आओस, तांगुल, सीमास और अंगमिस ट्राइब इसके बाद आप लोगों को मिलेंगे। नागालैंड का स्टेट बर्ड की बात करें तो ब्लाइट ट्रैगोपन है, और स्टेट एनिमल की बात करें तो मिथुन है या गयाल भी आप उसे जो है वो बोल सकते हैं, ये अरुणाचल का भी है। अदर ट्राइब वहाँ पे लॉथस, संगतमस, फॉर्मस, चांग और हंगामा वगैरह ट्राइब आपको मिल जाएंगे। इतना सारा याद नहीं कर पाओगे तो मत भी करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोटेक्टेड एरिया बात करें तो इन तांगकी नेशनल पार्क कभी न्यूज़ में आए तो पढ़ लेना, सिंगफान ये आता रहता है, एक पुली बैजे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खास नहीं है, फकीम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खास नहीं है, सिंगफान वाला थोड़ा बहुत कभी आपको मिल जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल है, आपको पता है हॉर्नबिल एक फेस्टिवल वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, अभी 1st से 10 December तक वो चलता है, स्टेटहुड भी है ना इसलिए भी, ठीक है। चलो, नागालैंड टूरिस्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वहाँ पे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो भी आपको सुपर वे में मिल जाएगी। आई होप यू गॉट मी, एंड आपको जो सारी न्यूज़ है वो प्रॉपर वे में कवर हो गई होंगी, इफ़ येस। अच्छा, कमेंट सेक्शन का क्वेश्चन आज ये है, आर्टिकल 2 आपने बताना है, आर्टिकल 3 आपने एग्जैक्टली बताना है, और आर्टिकल 1 भी चलो बता ही देना, वो बुरा मान जाएगा। आर्टिकल 1 से 3 तक लेकर क्या क्या लिखा गया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसे जो है वो बता देना। आपका होमवर्क क्या है, एक तो नागालैंड को आपने मैप में देखना है, एक मालदीव को मैप में देखना है, चाइना को देखना है, चाइना का साउथ चाइना से साथ में नजर घुमा लेना, ठीक है। मेन तो यही है, बाकी हम लोग फिर कल देखते हैं। आपका डेली करंट अफेयर की जो न्यूज़ है वो अपलोड हो जाएगी आपके अपने चैनल इनक्वेस्ट IAS पर, ठीक है। फॉर ग्रोथ ऑफ दिस चैनल वी आर ऑल्सो अपलोडिंग द करंट अफेयर MCQ रेगुलरली बाय द मिस्टर आकाश जिंदल, वो यहाँ पे इस पर अपलोड करेंगे। कल एक क्लास ली भी गई है, तो गाइज जो भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे आपसे प्लीज़ आंसर देम, और आपका क्या स्कोर रहा है एट द एंड ऑफ द सेशन वो भी आप प्लीज़ जो है वो मेंशन करिए। ये वाली क्लास आपको अच्छी लगी, सुपर्ब लगी, क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई, सो प्लीज़ डू लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर लॉट्स ऑफ फ्रेंड एंड सब्सक्राइब योर ऑन चैनल दैट इज़ अ इनक्वेस्ट IAS। थैंक यू सो मच।